One, two, three, go. Hey everyone, welcome to San Francisco! मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फ्लाइट करने वाली हूँ मैं 24 घंटे की ऑलमोस्ट. पता नहीं कैसे गुजारने वाले हूँ वो दिन. दिन क्या बोल रही हूँ, वो टाइम वही सोच के हैप्पी भी नहीं हो सकती मैं. नहीं आ पाई इंडिया, इसके लिए मैं यूएसए गई उसको मिलने. थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस. नहीं सर, फटाक से रूम ढूंढ देते. ये दरवाजा है, ये छोटू सा किचन है. हॉल भी बहुत अच्छा है, क्यूट है. साइकिल चलाती है रूम में, क्या है पतली और कितनी पतली होगी. और ये प्रीति का क्यूट सा कमरा. पिंक ना हो तो लड़की का वाइब नहीं आता फील. ओ कितना सॉफ्ट है ये. आई लव दिस क्यूट बेड. और ये नीचे कार्पेट है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. प्रीति इज क्यूट वर्किंग कॉर्नर. अभी उसकी मीटिंग है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते उसको. मेरी हालत देखो, मैंने 24 घंटे बाद. मेरे बाल देखो, मेरा अवतार देखो. अभी मैं रेडी होती हूँ, खाना खाती हूँ, घर का खाना खाने वाली हूँ. ये देखो गाइस, हम लोग यहाँ पे आए हैं. उर्मिला वहाँ पे चपाती बना रही है, ऐसे तुम लोग को लग रहा होगा, लेकिन ये रेडीमेड चपाती है. यहाँ का टेक्नोलॉजी अलग ही है गाइस. देखो मालूम है, रेडीमेड चपाती मिलता है. नहीं पता, ये इधर पैकेट से निकालने का, गर्म करने का हो गया. अभी तूने वो किया वैसे कर वापस, वैसे ऊपर क्या. वाह वाह. तो मैंने उर्मिला के लिए एक नया कैमरा लिया है. मैं उसको सरप्राइज करने वाला हूं. कैमरा शी इज गोना लव इट. उसको चाहिए था कैमरा, उसको मालूम नहीं आ गया ऑलरेडी. यूएस में बहुत एक्साइट होने वाले व्लॉग करने को इस कैमरा से. बहुत क्यूट कैमरा है. ये गरम भी लग रहा है. आई नो, कट-कट बंद हो गए. आई नो, मतलब मेरे लिए तूने खुद के लिए लिया. अरे ये तुझे धूप का लगता है ना, मन कैसे. नहीं नहीं मतलब गरम गरम फील होता है. हाँ. मस्त है ना, यानी एक्चुअली ठीक होता है. सो गई काडू. यार आई एम, लेट मी टर्न इट ऑफ. मस्त है. Perfect, na? Oh my god, wow! So cute. Why does it have a red line though? Because कितने बार ऐसे हुआ है कि तू रिकॉर्ड करते हो भूल गई है पूरा का पूरा कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, तो वो इसमें हमेशा समझता है कि रिकॉर्डिंग ऑन है. कितना जीबी का सिम कार्ड डाला है जी. है ना 4 घंटे, 5.5 घंटे का फुटेज है. अच्छा मतलब यूएस व्लॉग 5.5 घंटे का हो सकता है. थैंक यू सो मच. वेलकम. थैंक यू. कितनी क्यूट है तू. इट्स योर कैमरा, सो इट हैज टू बी वाइड. It has to be cute also and small. Yeah. अरे यार, बॉडी. ये बॉडी शॉर्ट है. इतना जिम में मेहनत करने के बाद भी बॉडी नहीं बन रहा, तो मैंने बॉडी वाला शर्ट ही ले लिया. ये पहन के जिम जाऊंगा मैं. पहले 3 घंटे तो मैं दुबई जाने के टाइम सो गई. उसके बाद सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट दुबई से ली थी. टाइम ही नहीं जा रहा था. मेरा भी सेम है, मैं भी सो ही नहीं पाया पूरे फ्लाइट में. मतलब 1 घंटा ना, बाकी सब टाइम सो गया. कितना घंटे की फ्लाइट थी? 16 आवर्स. हाँ 16 घंटे की फ्लाइट थी. उसमें से मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, मैंने कैलकुलेट किया 14 घंटे में सो रहा था. 2 घंटे में आ बैठ था बस. तो मेरा मस्त गया फ्लाइट. लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं सीखा फ्लाइट्स में, लंबे फ्लाइट से आपके पैर स्वेल हो जाते हैं. मेरा ये जो राइट पैर है वो पूरा फूक गया है ये वाला. अभी तो शुरुआत है, मैं बहुत व्लॉग करती हूँ. इतना व्लॉग करने के बाद मेरा 10 मिनट का वीडियो आता है 6 महीने बाद. मेरा पैर सूजा हुआ है. छोटा शिंगदाना मिलता है वो है मेरा लास्ट. What the beautiful car, guys! मैं चला सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये साइड को स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है. किधर से लिया मर्सिडीज? उल्टा ले लिया. एक और बार आ रहा है ये देखो, सब खाना लेके. दिस इज क्रेजी है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कुछ. तो देखो ऊपर पराठा आ गया, नीचे भाजी आ गई है. थैंक यू सर. आपका नाम? नाम नहीं बताते आप. उर्मिला ये तुझसे ज्यादा काम करता है. और सुनो ना, अभी थोड़ा एक ग्लास पानी भी लाओ हमारे लिए. बाय, सी यू, टाटा, लव यू. अरे यहाँ पे खुद गाइस खाना भरना पड़ता है पार्सल बोला तो. कुछ हाथ में नहीं मिलता ना. और मेरा लोग बहुत कम अवेलेबल है, तो खुद से काम करना पड़ता है.
अच्छा वॉलमार्ट जा रहे हैं क्योंकि मुझे शैम्पू चाहिए। नखरे बहुत है ना मिथिलेश मेरे। मैं तो एक दिन दो दो महीना बाल नहीं धोता, इधर इसको आने में 10 दिन में भी बाल धोने का है। परेशान है तुझसे सब। उर्मिला I have 5 rupees and I'll give you whatever you want to buy from this Walmart. तुझे कुछ भी खरीदने का है मुझे बता। Preeti doesn't want me to vlog her kitchen because it's not clean. पर भी Preeti धो रही है, उसी धो रही है, झूठी डिशवॉशर में डाल रही है, दिखा रही है काम कर रही है। देखो गाइस उसका गैस उसके जैसा ही बहुत ज्यादा क्लीन दिख रहा है। आजी तुला एक गोष्ट सांगायची आहे। नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। प्रीति मुंबई में कुछ काम नहीं किया ना? इधर आके कैसा लग रहा है करने के बाद? See, I've called you. और उल्टा हुआ है, थॉट उर्मिला विल कुक फॉर मी। इतनी झूठ बोल रही है। I literally told her कि मैं पूरा स्क्रैच से करती हूँ। She's used to it. I'm used to it. जक मार के करना समझा ना, अगर आप यूएस में आओगे खुद का रहना पड़ेगा तो सब कुछ करना पड़ेगा। काम भी वो 9 घंटा काम करते हैं, फिर खाना भी बनाते हैं और फिर घर भी साफ खुद से ही करना पड़ता है। गाइस ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, पोहा चाय और हम दोनों। गाइस मेरे सामने एक मेरे को कौवा दिख रहा है। मैं ज्यादा पास नहीं जाना चाहता उस कौवे के, लेकिन दैट कौवा इज टू बिग। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इतना बड़ा कौवा नहीं देखा। वो वाला देखो वहाँ पे। आई जस्ट होप कि मैं उसके पास जा रहा हूँ वो मुझ पे अटैक ना करे। जस्ट सी वो कितना बड़ा कौवा है, ऑलमोस्ट एक पेंगुइन जितना बड़ा है। ओह माय गॉड इट्स टू बिग एंड इट्स टू हैवी। ओ शिट मेरे पीछे द आइकॉनिक गोल्डन ब्रिज। हम लोग इधर फोटोज और टाइम पास मस्ती करने आए, और इधर स्पेसिफिक ओशन है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और इधर बहुत ज्यादा हवा है इसके लिए बाल उड़ रहे हैं। मैं डेयरिंग करके बोला कि मेरे को जैकेट की जरूरत नहीं है, और मैं विदाउट जैकेट आ गया, मेरे को बहुत ठंडी लग रहा है। उर्मिला 5000 को भेजना, तेरे को सच्ची बता रहा हूँ तू इस जैकेट में भालू लग रही है, तेरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उर्मिला देना मेरे को तेरा ये जैकेट रेंटल पे। ले लो सच्ची। कितना रुपया है भाड़ा? 10,000। बाप रे इसमें से एक उठा के लेके जाओ क्या? उर्मिला तेरा एयरपोर्ट पे ताला तोड़ दिया था ना, वहाँ पे ताले तेरे को चाहिए? इतना गंदा जोको लेट्स गो नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इधर से जम मारने के हुआ ना, ये देखो पागल औरत इसका फोन हैक करो। उर्मिला आई एम गोइंग टू हैक योर फोन। क्या इधर क्यों लेके आए तू बताएगा? शादी का डेस्टिनेशन, तेरे को अगर मुझसे शादी करने तो हम लोग इधर करेंगे, इधर फेरे करेंगे। ऐसे भी है क्या? पैसे की बात मत कर। ए मैं नहीं तो कौन दे? हाँ मैं नहीं तो कौन दे? ये देखो पागल लोग दिन भर बस फोटो खींचने का होता है इनको। वाह वाह क्या पोज दे रही, क्या पोज दे रही, ओ माय गॉड वाओ। उर्मिला उर्मिला शादी का यही बुक करूँ क्या? बोल ना यार। नहीं रे। क्यों नहीं? नहीं करने का है। क्यों? कि पैसा नहीं है। ये दिस इज ओनली 500 रुपए पर प्लेट है। इधर पूछा छोले भटूरे मिलेगा, डेजर्ट में श्रीखंड है बस। मेरी अज्जी आ पाएगी इधर तक? अज्जी का पासपोर्ट भी नहीं है, बट प्रॉब्लम वो है। अभी हम लोग प्योर 39 आए हैं ना। ब्यूटीफुल व्यू है, और वो जेल है, वो वाला जेल है उधर, बट ये व्यू बहुत अच्छा है। बस इतना ही है प्योर 39 और कुछ नहीं है। बाजू में पानी, पानी के ऊपर हम है, दैट्स ऑल। क्या गोल्डन लाइट में कैसा दिख रहा? गोल्डन गेट के गोल्डन लाइट में मैं चमकीदार नहीं लग रहा? यहाँ पे ना जो भी रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे सब ऐसा चिकन स्ट्रिप्स मिलता है, फ्रेंच फ्राइज मिलता है, लिटरली एक भी जगह पे। मतलब वी डिडंट सी एनी पानी पूरी भेलपूरी ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस हियर, पानी पूरी भेलपूरी। मुझे लगता है बहुत चलेगा। और मेला इधर के लोग नहीं खाते सब कुछ, मतलब इधर के लोग को मिलता नहीं सब कुछ, तो हम लोग बनाएंगे ना बिजनेस करोड़पति। अभी हम लोग चीज केक फैक्ट्री आए हैं, और अभी इधर 5:30 बजे अभी हम लोग लंच करने वाले। लेटर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, अभी 5:30 अगर अंधेरा हो भी गया। हमारे इधर अंधेरा जल्दी नहीं होता क्योंकि हमारे इधर अंधेरी है, तो अंधेरी वेस्ट ईस्ट दोनों होता है, उधर टाइम लगता है। इधर अंधेरी नहीं है तो अंधेरा जल्दी होता है। क्यों मिथिले क्यों? प्राइस मुझे कुछ स्टार्टर है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास चीज केक है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये चबाने का। अगर तुम्हें चबाया तो तेरे को मुझे 500 रुपए देना पड़ेगा। 500 नहीं 5000 हमें इधर रख रहा हूँ। देख सी तू कितना टाइम ऐसे रख सकते हैं। उर्मिला इन सैन होजे, और बारिश हो रही है सैडली। खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हो। अभी हम लोग को जाने का एक्वेरियम में, पता नहीं कैसे जाएंगे बिकॉज घर पे छाता ही नहीं है। 1 घंटे से बारिश हो रही है, होपफुली बारिश खत्म हो जाएगी हम लोग जाएंगे, या तो हम लोग को ऐसे ही भीग के जाना पड़ेगा। हम लोग 2nd फ्लोर पे रह रहे हैं बाय द वे। इतना क्यूट लग रहा है ना, इधर से ऐसा रास्ता दिखता है, गाड़ी आती है सामने से करके जाती है। सुबह 5 बजे उठी हूँ मैं, हम लोग जाने वाले थे, मैंने दिखाया आप लोग को बारिश हो रही थी 10 बजे, अभी भी बारिश हो रही है।
और कितने बजे मिथिलेश अभी? एक सेकंड मैं बताती हूँ तुम लोग को, 12। बेसिकली हम लोग रुके 2 घंटा बारिश जाने के लिए, अभी तक बारिश नहीं गई है और अभी भी बारिश है। अभी हम लोग उबर बुक करे बिकॉज ऑलरेडी हमने टिकट बुक कर लिया है, मॉन्ट्रे एक्वेरियम जा रहे हैं बिकॉज मिथिलेश को मछली बहुत पसंद है, उसको मछली बनना था लाइफ में पर वो मछली नहीं बन पाया, इसके लिए वो दूसरे मछलियों को देखने जा रहा है ना। इसको बहुत पसंद है गाइस मछलियाँ। उबर वाले क्या कमाते इधर यार, इधर से 1 घंटा जाने का तो 8,000 रुपए ले रहे। हम लोग 1 घंटे की राइड करके आए, मैं पूरा टाइम सो रही थी। आई एंजॉयड द स्लीप और मैं अभी इतनी एक्टिव है एक्वेरियम देखने के लिए और मुझे इतनी भूख लगी कि मैं मछली को हाथ निकाल के खाने वाली हूँ। नहीं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, ऐसा नहीं करना होता है, अगर आप एक्वेरियम में हो तो ऐसा नहीं करना होता है। दुनिया की सबसे बेस्ट जगह पे आए हैं हम लोग, चॉकलेट। इधर चॉकलेट होता है, उधर मैं होती हूँ। बात कम करेगा मुझे ब्लॉग करने का, मुझे भी ब्लॉग करने का। 1 किलो चॉकलेट्स मैंने ले लिया है और 1 किलो चॉकलेट्स मैं ही खाने वाली हूँ, मुझे 1 किलो वजन बढ़ाने का है ना। और हमने एक चॉकलेट शेक मंगाया है जो चॉकलेटी है बहुत ज्यादा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो खाने के लिए। ये मंगाया है हमने किरा जेली चॉकलेट का चॉकलेट लवो शेक और मैं अभी खाने वाली हूँ, आप देखो मुझे खाते हुए। By the way guys, ये मेरा लंच है, मैंने कुछ भी लंच नहीं किया, ये मेरा लंच है, that's all. It's down. It's down. Are you giraffe? इसका वो खुला है। क्या है ये? बल्कि जिराफ़।